बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम एक बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार चाट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये है चना चाट मसाला। यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और इसके लिए हमने जो अज़ा लिए हैं उनमें है ये चने, काले वाले चने हैं। इन्हें हमने 8 घंटा भिगो दिया था और भिगोने के बाद इनको हमने पानी कुकर में डाल के गला लिया है और बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं, बिल्कुल मैश हो रहे हैं। और इसको क्या करना है, आपको पानी डालना है इसके ऊपर आने तक, और इसमें आपको थोड़ा नमक डालना है और थोड़ा सा खाने का सोडा डालना है, बिल्कुल चुटकी भर, ताकि ये जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमने लिए हैं यहाँ पर 2 टमाटर जिसे हमने बारीक काट लिया है, 5-7 हरी मिर्चें हैं इन्हें भी हमने बारीक काट लिया है, पुदीना और धनिया दोनों भी लिया है इसे भी काट लिया है, ये 2 बड़ी साइज़ की प्याज इसे भी हमने बारीक काट लिया है, ये कैरी है, कैरी का 1/2 पीस हमने लिया है इसे भी हमने बारीक काट लिया है, बघार के लिए हमने ज़ीरा और अजवाइन ली है और इसके अलावा हींग ली है। मसालों में, सूखे पाउडर मसालों में हमारे पास है यहाँ पर चाट मसाला 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच है वो, और काला नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्ची 1.5 चम्मच है, और हल्दी जो है 1 चम्मच है। नमक हमने लिया है लेकिन नमक हम चख के डालेंगे क्योंकि हमने चने उबालते हुए भी नमक डाल दिया था। उसके अलावा हमने चाट मसाला लिया है तो चाट मसाले में भी नमक होता है, और ये काला नमक है ये भी नमकीन ही है, तो इसलिए नमक हम चख के डालेंगे। और थोड़ा सा इसका मेथड ये है कि हम डायरेक्टली बघार नहीं करेंगे, जब हमको अभी चने बनाना है तो हम ये प्याज जो है इसको कच्ची पकी ऑयल में फ्राई करके निकाल लेते हैं और उसके बाद छौंक लगाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही मज़े के और बहुत अच्छे बनते हैं, तो आपको अभी हम बघार के दिखाते हैं। हाँ तो नाजरीन, अभी हमने ये कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने 100 ml के करीब ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। और अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्याज है ये प्याज हम इसमें डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा कचरा यानी कि आधा कच्चा पक्का हम इसे निकाल लेते हैं, आधी निकालना है आधी उसी में छोड़ देना है। इसको सॉफ्ट होने तक पकाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये प्याज जो हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब क्या करते हैं इसमें से हम हाफ प्याज जो है डालेंगे और हाफ प्याज जो है इसमें से निकाल लेंगे। तभी हम क्या करते हैं इसको पहले तो पूरी निकाल लेते हैं प्याले में और फिर बाद में ये तड़का लगाएंगे और फिर उसमें आधी प्याज शामिल करेंगे और आधी प्याज जो है हम बचा लेंगे लास्ट में मिलाएंगे। नाजरीन, हमने ये प्याज निकाल ली है और इसमें थोड़ी बहुत प्याज है, अभी से भी हम ये तड़का जो है लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें हम हाफ टमाटर डाल देते हैं, हाफ हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ी सी कैरी डालते हैं और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल देते हैं। अब ये पाउडर मसाले हैं ये भी डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं साथ में। अब इसमें छोले शामिल कर देते हैं, ज़्यादा उसको नहीं भूनना है, भूनना नहीं है। इसमें ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए यहाँ तक हम पकाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। नाजरीन, इन चनों को हमने और 8 से 10 मिनट तक पकाया है। इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा चना उबला हुआ पानी था वो हमने इसमें 2 चम्मच डाल दिया था, बड़े वाले चम्मच यानी कि तकरीबन 1/2 कप, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला हमने और डाला। और अब देखिए आप, इसमें टमाटर और प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अब क्या करना है हमें, ये जो है हमारे पास जो टमाटर है ये सब डेकोरेशन का सामान है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा अभी डाल देंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं और ये मिर्चें सारी डाल देते हैं, और ये जो है जो हमने प्याज अधकचरी करके निकाली थी ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। बस कच्ची नहीं मिलाना है, सिर्फ टमाटर, थोड़ी कैरी और थोड़ा हरा धनिया मिलाएंगे, बस ये हमारी डिश जो है बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए नाजरीन, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे
चने की जो चना चाट मसाला है ये तैयार है। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।